कल जब जैसे ही क्वेश्चन आया 150 का 150 टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने सबसे पहला काम किया न्यूज़ चैनलों को भेज दिया, जो भी यूट्यूब चैनल है आप लोग को भी हमने भेजा था, बहुत सारे लोग तो चलाए नहीं उसको। और हमने सबसे पहला काम क्या किया कि CMO को ईमेल कर दिया 11:49 पर, यानी परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले। और उसी का असर हुआ कि मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और शाम में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराने की बात कही गई है तो तत्कालिक रूप से सरकार अगर जांच कराए तो शिवदीप लांडे से जांच कराए, शिवदीप लांडे जी को जिम्मेवारी दी जाए जांच करने की। हमको आर्थिक अपराध इकाई पे भरोसा नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बिहार है, पैसों पे खरीद लिया जाता है, मुझे भी पैसों पे खरीदने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं बिका। CMO को हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया और रास्ते में बस में आते आते सारा काम हम मोबाइल से किए, बस में रहते हुए सारा काम किए हैं और वीडियो भी आप लोग देखोगे बस में ही हमने बनाया था। हमने कल चैलेंज किया था फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आज अगर कोई भी टीचर कटअप जारी कर दे या मेंस का बैच शुरू कर दे हम उसके कोचिंग में ताला लगा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कटअप जारी करे या मेंस का बैच शुरू कर दे कि कल पूरे दुनिया में बिहार की बदनामी हुई, ज्ञान की धरती बिहार उसकी बदनामी हुई। BPSC के ऊपर काला धब्बा जो लगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से हुआ। अगर हमें जेल भेजा गया ना 15 दिन के लिए, आज वो बात सही साबित हुई ना कि सेटिंग वेटिंग बिहार में चलता है, तो 15 दिन जो हम जेल में रहे उसका मुआवजा कौन देगा मुझे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम सिंह। कल BPSC का PT का एग्जाम हुआ, आपने देखा ही कि किस तरह से एग्जाम हुआ और उसके बाद जो क्वेश्चन लीक हो गए उसके बाद वो कैंसिल भी तुरंत त्वरित जो होना था CM ने भी कर दिया। और लेकिन जो बच्चे बाहर से एग्ज़ाम देने आते हैं उनके कई सपने होते हैं, इतना पढ़ाई करते होते हैं, उनका टाइम लगा हुआ रहता है, उनका पैसा लगा हुआ रहता है, उसके बाद क्या, इतना के बाद क्या, क्यों इस तरह से होता है एग्ज़ाम? हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं और दिलीप से हम बात करते हैं कि दिलीप अब ये जो हुआ है तो आप क्या कहना चाहते हैं इसे? देखिए, सबसे पहली बात कि ये पहली बार नहीं हुआ है। आज लोगों को लग रहा है कि BPSC में पहली बार क्वेश्चन आउट हुआ या कुछ भी, 66वीं BPSC PT का भी क्वेश्चन आउट था। दिलीप कुमार, यही दिलीप कुमार है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लेकिन उस समय किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया और हम चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, तो उस गलती से हमने सबक लिया। और कल जब जैसे ही क्वेश्चन आया 150 का 150 टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने सबसे पहला काम किया न्यूज़ चैनलों को भेज दिया, जो भी यूट्यूब चैनल है आप लोग को भी हमने भेजा था, बहुत सारे लोग तो चलाए नहीं उसको कि सही होगा कि गलत होगा। हमने कहा कि अफवाह भी हो सकता है ये या सच्चाई भी हो सकता है, ये परीक्षा खत्म होने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। दिलीप, वो कितने बजे आया था? ये 11 से 11:15 के बीच व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में वायरल हो रहा था और वैसे ग्रुप में वायरल होता जिसमें पैसा नहीं दिया गया, फ्री में वायरल हो रहा था और जो लोग पैसा दिए होंगे तो उनको तो एक रात पहले मिल गया होगा या सुबह में 6 बजे मिल गया होगा। और हमने सबसे पहला काम क्या किया कि CMO को ईमेल कर दिया 11:49 पर, यानी परीक्षा शुरू होने से 11 मिनट पहले। और उसी का असर हुआ कि मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और शाम में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और अभी जो अपराध आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराने की बात कही गई है तो तत्कालिक रूप से सरकार अगर जांच कराए तो शिवदीप लांडे से जांच कराए, शिवदीप लांडे जी को जिम्मेवारी दी जाए जांच करने की। हमको आर्थिक अपराध इकाई पर भरोसा नहीं है क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के पास संसाधन भी नहीं है और 1717 दरोगा बहाली में यही आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया था, PT में पेपर लीक का, 1717 दरोगा बहाली में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ, तो हम उस पर कैसे भरोसा करें? तो इसलिए सरकार तत्कालिक रूप से अगर जांच कराना है शिवदीप लांडे से जांच कराए और उसके बाद CBI जांच की अनुशंसा करे केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी सिटिंग जो जज है उनके दिशा निर्देशन में CBI जांच होनी चाहिए। इस बार भी अगर आप चुप होते और CM को अगर ईमेल नहीं करते तो क्या इस तरह से ये सब कुछ होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बिहार है, पैसों पे खरीद लिया जाता है, मुझे भी पैसों पे खरीदने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं बिका। CMO को हमने मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया और वही हमारे पास प्रूफ था, बात अगर वो हम नहीं किए रहते और फेसबुक लाइव आके हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारे पास प्रूफ है, हमने CMO को ईमेल किया है 11:49 पे और यही काम कर गया, अगर हम CMO को ईमेल नहीं किए होते तो ये BPSC बिहार लोक सेवा आयोग जो बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है वो BPSSC की दरोगा बहाली के भर्ती बोर्ड की तरह कर देता कि ये स्क्रीनशॉट है, प्रिंटेड है तो एडिट है, कर करके मामला को लिपापोती कर देता। तो इसलिए हमने बुद्धि विवेक से काम किया और CMO को ईमेल कर दिया। कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षा जो माफिया हैं उन लोगों का ये इस तरह का पूरी तरह से बिहार जो है शिक्षा माफियाओं के गिरफ्त में है और यहाँ बिहार में सबसे बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है, सबसे बड़ा उद्योग लग चुका है। जो कह रहे हैं ना कि बिहार में उद्योग की कमी है तो मैं बता दूं कि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग चल रहा है फैक्ट्री, वो है शिक्षा माफियाओं की फैक्ट्री, धांधली सेटिंग पेपर लीक की फैक्ट्री। और कोई ऐसी बहाली नहीं है जिसमें दलाली नहीं होती है, जिसमें पैसों पे सीटों की बोली नहीं लगती है। दरोगा बहाली में खुलेआम 25 लाख रुपया लेके सीट बेचा जाता है,
और वैसे चेयरमैन को 3-3 साल का कार्य का एक्सटेंशन किया जाता है। आप सीबीआई जांच अगर हो जाए तो दरोगा बहाली 1717, 2446, 2223 सब में पकड़ा जाएगा कि कौन कौन लोग सेटिंग से गया है और कौन कौन शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त है। मैं आपको बता दूं कि ये दिलीप ही हैं जो कल से आवाज़ उठा रहे हैं बीपीएससी के लिए। आरा का भी वीडियो इन्होंने हम लोगों के पास भेजा था कि वहाँ किस तरह से जो स्टूडेंट हैं इसके खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये रास्ते में थे और बस में बैठकर ही सारा कुछ सबको खबर देते रहे, वीडियो बनाते रहे। क्या जी बिल्कुल, जैसे ही देखिए मैंने कल परीक्षा छोड़ दिया, मेरा भी परीक्षा था जी, मैं बता दूं मैं भी 67वीं बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ, लेकिन मैंने परीक्षा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये पहले ही पता चल चुका था इनपुट कि क्वेश्चन इसका लीक हो चुका है एक रात पहले। लेकिन जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम एग्जाम छोड़ दिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम देने चले जाते तो फिर ये सब चीज़ नहीं हो पाता कल, तो इसलिए हम एग्जाम अपना छोड़ दिए। और जैसे ही हमको पता चला हम घर से तुरंत चल दिए और हम कुछ भी लेके नहीं चले, सिर्फ मोबाइल और जो शर्ट पैंट पहने वो वही पहन के चलाए, यहाँ तक कि हम अपना सामान भी जो होता है बैग वो कुछ नहीं लिए, और रास्ते में बस में आते आते सारा काम हम मोबाइल से किए। न्यूज़ चैनल को फ़ोन करना हो, आप लोग को फ़ोन करना हो, यूट्यूब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जिसको भी फ़ोन करना हो, वीडियो भेजना हो आरा का वीडियो या जो भी मैसेज करना हो, बस में रहते हुए सारा काम किए हैं, और वीडियो भी आप लोग देखोगे बस में ही हमने बनाया था। कहा जाता है कि अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन दिलीप ने जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसके लिए वो खड़ा रहे कल से, और लास्ट में मुख्यमंत्री को कदम भी उठाना पड़ा। दिलीप, मुझे ये जानना था कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या है, अब क्या करने वाले हैं आप? देखिए दिलीप कुमार अकेला चला था, अकेला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, कोई साथ नहीं दिया। पटना का 3-4 टीचर का मैं नाम भी बता सकता हूँ जिन लोगों ने मेरे बारे में पिछला बार 66वीं बीपीएससी में कहा कि दिलीप कुमार को नेता बनना है, इसलिए कह रहा है कि 66वीं बीपीएससी पीटी का जो है सो आंसर वायरल था, और तुरंत कट ऑफ जारी कर देते हैं और मेंस का बैच शुरू कर देते हैं, बैनर पोस्टर लग जाता है। हमने कल चैलेंज किया था फेसबुक लाइव के माध्यम से कि आज अगर कोई भी टीचर कट ऑफ जारी कर दे या मेंस का बैच शुरू कर दे हम उसके कोचिंग में ताला लगा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कट ऑफ जारी करे या मेंस का बैच शुरू कर दे। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो शिक्षक भी है, मैं कह रहा हूँ। ये लोग क्लास में क्या करते हैं, यूट्यूब पे आके बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे यूट्यूब पे आके कि छात्रों के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन आज कितने टीचर हैं जो इस पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मेंस का बैच शुरू करना होगा तुरंत आके यूट्यूब पे आके बोल देंगे फलना बैच कैप्सूल कोर्स ब्रह्मास्त्र कोर्स नाग कोर्स कौन कौन कोर्स चल रहा है, और कटअप आ जाकर बता देंगे, कटअप आके बताएंगे। कोई भी सर हो, कोई भी सर, किसी का नाम नहीं लेते हैं, मैं ये सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जो भी इस तरह की हरकत करे गलत कर रहे हैं, और जो भी टीचर आप आगे से हम समझिए तो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं अगर सही है छात्रों को अगर सही राह दिखा रहे हैं छात्रों के हित में कह रहे हैं तो उनको हाथ जोड़ के सलाम करते हैं, उनको पैर छू के हम जाके प्रणाम भी करते हैं, लेकिन जो शिक्षक दलाली करते हैं सरकार की आयोग की चमचागिरी करते हैं वो ऐसे शिक्षक का हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि शिक्षक के नाम पे वो कलंक है, शिक्षा माफिया है, शिक्षा को वो लोग व्यवसाय बना दिया है। ऐसे में शिक्षकों का नाम तक गिना सकता हूँ। जब जब बीपीएससी का आंदोलन होगा तो एक भी शिक्षक नहीं बोलेंगे, लेकिन हजारों रुपया लाखों रुपया ये लोग बैनर पोस्टर और चैनलों पर खर्चा करेंगे, लेकिन जब आंदोलन होगा तो ये लोग साथ नहीं देंगे। आज कितने शिक्षक हैं जो इस पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कट ऑफ जारी कर देते हैं कोई एग्जाम शुरू होने से पहले, कोई परीक्षा से 2 दिन पहले कट ऑफ जारी कर देंगे, कोई परीक्षा समाप्त होते ही कट ऑफ जारी कर देंगे, क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे। जो लोग एग्जाम समाप्त होते ही कट ऑफ जारी करते हैं इसका क्या मतलब, उसके पास क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, यही ना कहिएगा भाई क्वेश्चन आप देखे नहीं आया, कट ऑफ कैसे जारी कर दिए। तो आप लोग जो मीडिया के आदमी, आप लोग को मुहिम चलाना चाहिए कि भाई कोई भी शिक्षक हो, ये तो सोचने वाली बात है ना कि एग्जाम का क्वेश्चन आप देखे नहीं कट ऑफ कैसे जारी कर दिए भाई, यानी कि आपके पास क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, तो सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच सरकार करवाए, हम पटना के उन शिक्षक कोचिंग संचालकों का नाम बता देंगे जो कि सेटिंग वेटिंग में रहता है, अभी हम नाम बता देंगे तो क्या होगा, सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जिनको सेटिंग कराना होगा जाके संपर्क कर लेगा सेटिंग करा लेगा, तो इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। दिलीप कुमार ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा है, 66वीं में भी चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि नीतीश बाबू मान जाइए नहीं तो आगे बहुत समस्या होगी, और समस्या हुई कि कल पूरे दुनिया में बिहार की बदनामी हुई, ज्ञान की धरती बिहार उसकी बदनामी हुई, बीपीएससी के ऊपर काला धब्बा जो लगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से हुआ। अगर हमारी बात मानी होती सरकार पहले, दरोगा बहाली में भी हम बोले थे चिल्ला चिल्ला कर, कई बार आंदोलन किया, हमें जेल भेज दिया गया, हमें जेल भेजा गया ना 15 दिन के लिए, आज वो बात सही साबित हुई ना कि सेटिंग वेटिंग बिहार में चलता है, तो 15 दिन जो हम जेल में रहे उसका मुआवजा कौन देगा मुझे, 15 दिन हम जेल में क्यों रहे, उसका मुआवजा सरकार देगी बीपीएससी देगी, 15 दिन किसी को जेल में आप रख रहे, इसी बात के लिए हम लड़ाई लड़े थे आंदोलन किए थे ना कि पेपर लीक होता है उसकी आप सीबीआई जांच कराइए, 15 दिन हमें जेल में रखा गया, उसका मुआवजा कौन देगा मुझे। कल जो पेपर लीक हुआ, जो 6 लाख स्टूडेंट्स पूरे बिहार का भ्रमण किए, कोई मुंबई से आके कोई दिल्ली से आके,
उनका जो आने जाने में परेशानी हुआ, खर्चा हुआ, वो खर्चा सरकार दे चाहे बीपीएससी दे, इसमें इन छात्रों की क्या गलती है? क्या गलती है छात्रों की? पैसा दे सरकार और एक महीना के बाद तुरंत एग्जाम कराए, और ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी पेपर लीक ना हो। ये तो बाहर में आप लोग को दिख रहा है कि कल वो तो दिलीप कुमार कर दिया, तब ना अगर हम नहीं करते तो कौन था जो पेपर लीक का ये बात बाहर लाता? कोई नहीं लाने वाला था। हमारे पास भी ये मौका था, हम करोड़ों रुपया कमा सकते थे, कल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी को पर्सनली भेजते, 50,000-1,00,000 रुपया ले लेते, भेज सकते थे। हमारे पास भी ऑफर आया जब हम लाइव आए तो, और उससे पहले भी, कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको जितना पैसा चाहिए देंगे, आप ये सब काम छोड़ दीजिए। यानी कि मुझसे ये गलती ये हो गई कि मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, रिकॉर्डिंग मोड में अगर मेरा मोबाइल होता तो रिकॉर्डिंग भी हो जाता, लेकिन इतना फ़ोन आ रहा था और इतना मुझे मीडिया वाले को भी फ़ोन कर रहा था, मेरा दिमाग भी हैंग कर गया था, मोबाइल तो मेरा हैंग कर ही गया था और दिमाग भी हैंग कर गया था। जो रियलिटी में बता रहा हूँ, रात भर में सोया नहीं हूँ, आपको मेरा शरीर देख के और हालत देख के नहीं लग रहा है क्या? तो सरकार क्यों नहीं एक समझ रही इन परीक्षार्थियों की, छात्रों की समस्या को? और एक बात हम बोल दे रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज़ को कि छात्रों का आक्रोश जो है, जिस दिन ज्वालामुखी का रूप लेगा ना, उस दिन बिहार का कोई नेता अधिकारी नहीं बचेगा जो इस समय संलिप्त है। सब जानते हैं बिहार के स्टूडेंट की कौन टीचर सेटिंग कराता है और कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो कोई नहीं बचेगा। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को, कि आप संभल जाइए। अगर 2019 में भी हमने बात उठाई थी, कुंवर सिंह पागल थे क्या? कुंवर सिंह पागल थे? अभी उनका जो है विजय उत्सव मनाया जाता है, गृह मंत्री आते हैं बिहार में, और उसी कुंवर सिंह को पटना हाई कोर्ट में पागल साबित किया गया, बीपीएससी ने पागल साबित किया, पटना हाई कोर्ट ने भी मान लिया। आप किसी के बारे में बोलिएगा कि मानसिक रूप से पटना और शारीरिक रूप से आराम में है, ये संभव है क्या? इसका मतलब क्या वो पागल है? तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जितने भी शिक्षा माफिया हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, नहीं तो फिर आगे एग्जाम होगा, फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं दिलीप, इन्होंने पहले भी आवाज़ उठाया था लेकिन कुछ इस तरह के एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार अकेले ही उन्होंने आवाज़ उठाया और मुख्यमंत्री को भी कदम उठाना पड़ा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।